क्राइम न्यूज। हमेशा गलती मर्द की ही नहीं होती, हर औरत सच्ची नहीं होती, होता है मर्द को भी दर्द जब नहीं निभाता कोई अपना फर्ज। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल में आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों, बरेली जिले में तैनात सीनियर महिला पीसीएस अधिकारी के पति ने अपने बीवी पर बेवफाई का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ जिले में पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत पति ने अपने एसडीएम पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा भी बताया। पीड़ित पति आलोक कुमार मौर्य ने धूमनगंज थाने में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीक दिया है। पति आलोक कुमार बहुत दुखी है और डरा हुआ है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे अपनों का भी सहारा ना हुआ। वहीं आलोक मौर्य की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पति ने उसका व्हाट्सएप हैक करके उसके सभी चैट वायरल कर दिए, साथ ही 50 लाख रुपए और घर की मांग भी कर रहे हैं, जिस वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करवाया और उनसे तलाक चाहती हूँ, अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। दरअसल पीसीएस ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है, आलोक ने बताया था कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी है लेकिन वह एक सफाई कर्मचारी थे, जिसके बाद मैं आलोक मौर्य से तलाक ले रही हूँ। तो दोस्तों, एसडीएम साहिबा के इस कारनामे से सभी नौजवान पुरुषों को डर सताने लगा है, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो दोस्तों, आपराधिक मानसिकता को समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।